कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और आत्मा परियोजना के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने के लिए उपायुक्त हमीरपुर हेमराज पैरवा ने मंगलवार को नौदौन उपमंडल के गांव रैल बरध्यान फर्स्टे और अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रगतिशील किसानों के घरों एवं खेतों में जाकर भी किसानों की विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी फसलों की जानकारी ली। प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ जायजा लेने फील्ड में निकले उपायुक्त ने फसल विविधीकरण, आधुनिक सिंचाई सुविधाओं, प्राकृतिक खेती, नकदी फसलों और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों जैसे पशुपालन, मौन पालन एवं मत्स्य पालन इत्यादि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर भी किसानों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे समूह बनाकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। इससे वे स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके कम लागत में ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे और उनकी फसलों का बेहतर विपणन भी सुनिश्चित होगा। आपने ये फोटो हमारे साथ शेयर कर देना, ठीक है सर? मैं उनको बोल दूँगा, सर को जी जी गुलेरिया जी को ना जी जी सर उनके पास है, बस नहीं हो गया बाकी। ये जैसे आप अगर इधर से चल सकते हैं, उसका दिवाली वगैरह टाइम में तो लेट नहीं, ये खाली इसलिए कि कल पे 2-3 क्विंटल माल तोड़ा था, अभी भी 3-4 क्विंटल तोड़ के रखा हुआ है। तो नहीं, इसमें हमने कद्दू, घिया, रामतोरी और खीरा मिक्स करते हैं। हम तो सिस्टम सुधारने की बात करते हैं। हाँ जी, तो सिस्टम में कुछ नहीं करना हमने, अभी बनते हैं एग्रीकल्चर वाले टैंक बनाते हैं लोग, ITH बड़ी स्कीम, ITH वाला एक अपना जैसे ना जी पानी लाके छोड़ देगा। नहीं जैसे नहीं जाएगा, मैं मेरी बात हुई नहीं तो आता विनोद जी आए, वो जो तो चॉकलेट बनने के लिए पटेल की चॉकलेट, इसकी चॉकलेट बन गई सर पटेल की। हाँ जी, जैसे अमरूद खट्टे या लकड़ी वाले पेड़, मतलब सर यहाँ भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्यास बह रही है, खट बह रही है, वाटर सोर्सेज है और रोड की सुविधा है हमारे पास, और दूध होता है तो थोड़ा एनर्जी होती है इसमें। पूरे में टमाटर लगा रखे हैं, इधर इधर फेंको नजदीक इधर आए सर, ये नॉर्मल वाली है नहीं, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है और रोहू है, तीन जो ये ITH की जो स्कीम है जी, ये कहाँ से पानी उठा रहे हैं सर? ये पताजी से। अच्छा। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि एक आपको मैं आपके टैंक है तो वो क्या करेंगे फिर, जब पीने वाला हुआ तो हमें ही देंगे। अच्छा, तो एक ये इरिगेशन पे मेरा भी स्पेशल फोकस है, खासकर इरिगेशन पे ना, मैंने देखा कि जितनी कैपेसिटी की आपकी स्कीम है उतनी कैपेसिटी का यूज़ नहीं सर, ऐसा होता है ना जी।